एक ऐसा स्टे इन द मिडल ऑफ नो वेयर जहां पे आपकी प्राइवेसी हो, आपका प्राइवेट स्विमिंग पूल हो, बहुत सारा नेचुरल ब्यूटी हो एंड यू विद योर लव्ड वंस. व्हाट एल्स डू यू वांट? आज की वीडियो ना आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छी लगेगी, बिकॉज आज हम लोग आए हैं करजत के इस ब्यूटिफुल रिजॉर्ट में जिसका नाम है हिल टॉप हेवन रिजॉर्ट. दिस प्लेस इज सो आइकॉनिक ना, ये एकदम करजत की हिल्स में एकदम टॉप पे बनी हुई है. दो बार एकदम बोलते हैं तो समझ जाओ कि कितना टॉप पे है. काफी ऑफ रोडिंग का रास्ता लेके हम यहाँ पे पहुंचे, बहुत मजा आया रोड ट्रिप में. एंड यहाँ पे आते ही देखा क्या, तो आस पास सिर्फ हरियाली है, ढेर सारा नेचर है, देयर आर बर्ड्स चॉपिंग एंड आवर ब्यूटिफुल स्टे हियर. आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा यहाँ का कंप्लीट प्रॉपर्टी टूर, हमारा रूम टूर, ये स्टे कैसा है, यहाँ पे क्या क्या अमेनिटीज है, हाउ इज द फूड फैसिलिटी, हाउ इज द स्विमिंग पूल, ओवरऑल वो सारी मस्ती जो हम आज के स्टेकेशन में करने वाले हैं. एंड मेरा ऑनेस्ट रिव्यू मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगी. बट बिफोर स्टार्टिंग विद द प्रॉपर्टी टूर, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फॉर दोस्त जो मेरे चैनल पे नए आए हैं. हाय गाइज, माई नेम इज शमा एंड आई क्रिएट कॉन्टेंट अबाउट फूड, ट्रेवल, लाइफ स्टाइल, एवरीथिंग फन हियर ऑन चॉपमेंट रिपीट. सो इफ यू एंजॉय वॉचिंग माई वीडियोज एंड आप और ऐसे वीडियोज देखना चाहते हैं, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. मैं आपको काफी अच्छे अच्छे स्टेकेशन, रिजॉर्ट, रेस्टोरेंट में लेके जाती हूँ. एंड विद दैट इनफ ऑफ दिस इंट्रोडक्शन, लेट्स हेड ऑन टू द प्रॉपर्टी. चलो, सो वी आर हियर एट द एंट्रेंस ऑफ हिल टॉप हेवन रिजॉर्ट. यहाँ से आप एंट्री करोगे तो सामने ही आपको आपके स्टेज दिखाई देंगे. बट अंदर जाने से पहले टेक अ लुक एट दिस. ओ माई गॉड, सो मच ग्रीनरी दिस प्रॉपर्टी हैज ना. एंड अगर आप ठीक से देखोगे ना, प्रॉपर ऐसी हिल्स हिल्स से बनी हुई है जो बहुत ही ऐसे यू नो आपको ब्यूटिफुल व्यू देती है एंड नाम को तो पूरा जस्टिफाई करती है. यहाँ पे जो आप देख रहे हो लाइन से, तो यहाँ पे ना 6 इनके कॉटेजेस है, आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल एंड सब में आपको प्राइवेट पूल मिल जाता है जो मैं आपको इसके बाद दिखाऊंगी. अंदर जाने से पहले थोड़ी बाहर की सैर करते हैं. लुक एट दिस ब्यूटिफुल ग्रीन लॉन. इतना सुपर्ब मौसम हो रहा है ना. यहाँ से अभी ऊपर चलते हैं, ऊपर ना एक बहुत ही कमाल की चीज है. सो यहाँ से आप ऊपर से व्यू देख सकते हो पूरी प्रॉपर्टी का, कितना ब्यूटिफुल लग रहा है सब कुछ. एंड अभी थोड़ा और ऊपर जाएंगे, टंटना. सो ये इन्होंने यू नो ऐसा व्यू पॉइंट सा बनाया हुआ है. चारों तरफ आप देख सकते हो बहुत सारे स्विंग्स लगे हैं. दीज वुडन ब्लॉक्स एंड दिस ग्रीनरी असाइड, काफी कैंपिंग वाली वाइब है यू नो. मैंने तो जैसे ही चेक इन किया ना, मैंने बहुत देर तक यहाँ पे बैठ के चिल किया. आई जस्ट एंजॉयड द मौसम एंड दिस फ्रेश एयर. एंड अभी यहाँ से मैं आपको नीचे लेके चलती हूँ अपने स्टे की तरफ. सो ये है लाइन से यहाँ पे सारे स्टेज. यहाँ पे आपको 6 ऑप्शन मिल जाते हैं, ऑल आर सेम. एंड यू नो बाहर इन्होंने ब्यूटिफुल ऐसे गार्डन वाले प्लांट्स लगाए हैं. आवर स्टे इज राइट देयर, नंबर 6. चलो, सो लेट्स एंटर आवर स्टे फॉर टुडे. यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही कॉम्फी रूम आपको दिखेगा, कितनी ज्यादा वार्म वाइब है ना यहाँ पे. सो ये है इनका क्वीन साइज बेड. दिस प्लेस इज अप्रोप्रिएट फॉर कपल्स, स्पेशली फॉर कपल्स. इन्होंने बेड के ही साइड पे बहुत ही क्यूट सी सिटिंग दी हुई है. दिस इज अ कम्प्लीटली एयर कंडीशन रूम गाइज. ये क्योंकि मुझे आपको ये प्लेस दिखानी है तो मैंने फिलहाल के लिए ये विंडोज ओपन रखी है. राइट इन फ्रंट ऑफ द बेड आपको यहाँ पे दिया हुआ है ये टीवी. दिस इज अ स्मार्ट टीवी, सो यू नो यू कैन लॉग इन इनटू योर नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार. आपका लगेज यहाँ पे आ सकता है इस रैक में.
एंड हियर इज द वॉशरूम। सो ये है अटैच्ड वॉशरूम एरिया। ओवरऑल आप रूम की वाइब देख सकते हो, बहुत पॉजिटिव आ रही है। एंड बाहर ना आप देखोगे ना सीधा ग्रीनरी है। एंड यहाँ से रूम से सीधा बाहर है आपका ये प्राइवेट स्विमिंग पूल। सो पहले ये छोटा सा डेक एरिया है यहाँ पे, यहाँ पे इन्होंने कुछ सिटिंग दी हुई है। इट सीम्स लाइक अ स्मॉल बार काउंटर वे यू कैन सिट एंड एंजॉय फ्यू ड्रिंक्स। एंड देन उसी के सामने है ये लवली पूल एरिया, एंड उसके सामने देयर इज लिटरली नथिंग एंड जस्ट दिस ब्यूटीफुल ग्रीनरी। चलो नीचे उतरते हैं, ये देखो। सो दिस इज द स्विमिंग पूल, दिस इज काइंड ऑफ अ प्लंज पूल। मतलब आप देखोगे तो ये साइज में छोटा है बट डीप है, ये अच्छा खासा 5 फीट डीप है। पानी भी इन्होंने 4 फीट तक भरा हुआ है, कुछ फ्लोटीज दिए हुए है। साइड पे ये सन बेदिंग चेयर्स है, देयर इज अ हैमक एंड 100% हॉलीडे वाइब। यहाँ से ना मैं आपको दिखाती हूँ, इतना खूबसूरत व्यू है ना, और इतना चू 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 बर्ड्स की आवाज आ रही है। ये देखो एकदम दूर दूर तक बस हरियाली ही हरियाली है। एंड आई कैन एक्चुअली आई हियर सम फ्लोइंग वाटर, आई फील देयर शुड बी अ वाटरफॉल हियर समवेयर। बट सोचो आप कितना सुंदर, बारिश के मौसम में तो वाओ, बहुत ही सुपर वाइब है। एंड ये जो साइड के कॉटेजेस है ना, लाइक द रूम्स आई शोड यू, ऑल 6 आर आइडेंटिकल एंड सब में आपको ऐसे प्राइवेट पूल मिलेगा। तो इस बार कोई मुझे कमेंट्स में कंप्लेंट नहीं करेगा कि शमा यार बुक हो जाता है, हमें बुकिंग नहीं मिलती, क्योंकि आपके पास बहुत ऑप्शंस है इस बार। आई कांट वेट टू चिल इन दिस रूम, बहुत ही मुझे अभी ना आराम करने का मन है। बस खाना खाएंगे, चिल करेंगे एंड आई एम गोना फिनिश दिस रूम टूर राइट हियर। बुकिंग से रिलेटेड, प्राइसिंग रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, गो चेक दैट आउट एंड लेट्स हैव सम फूड। खाना आ गया है, शूट करते करते ऑलमोस्ट 5 बज रहे हैं। अब ना मुझे आदत हो गई है हाई टी पे लंच करने की, आई एम काइंड ऑफ एंजॉयिंग इट। आप यहाँ का बस एटमॉस्फेयर देखो, इट इज रेनिंग एंड इतना सुंदर लग रहा है ना, दूर दूर तक जहां भी नजर जा रही है ना, इट इज ऑल ग्रीन एंड अ डिलिशियस फूड इज हियर। सो यहाँ पे आपको स्टे के साथ खाने में नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाता है। दे हैव अ इन हाउस रेस्टोरेंट, तो आप अगर लंच पे आना चाहो तो आप लोग लंच भी अपने हिसाब से ऑर्डर कर सकते हो। उसके अलावा द फूड लुक्स वेरी डिलिशियस, ऊपर से देखने में काफी होमली एंड यू नो ऑथेंटिक टाइप का खाना लग रहा है। आई कांट वेट टू हैव इट। खाना हो गया, आराम भी हो गया, अब मेरा फेवरेट टाइम है पूल टाइम। लेट मी चेक द वाटर। सही है सही है, इतना मस्त लग रहा है ना, मुझे बहुत फ्रेश लग रहा है आज। मतलब काफी दिनों से यू नो बैक टू बैक जब शूट्स चलते हैं ना, तो आप एक जगह आके जब ऐसे रिलैक्स करते हो तो बहुत अच्छा लगता है। टुडे इज दैट डे, आई एम जस्ट गोना चिल टुडे। यहाँ पे ना पूल में बैठ के अगर आप सामने देखोगे ना, बिकॉज हम लोग थोड़ी सी हाइट के ऊपर है ना, तो आपको सीधा ये ना पेड़ दिखाई दे रहे हैं। एंड एक्चुअली यू नो बहुत ऐसी जैसे आप किसी अमेज़न के बीच में हो, वैसे टाइप की फीलिंग आ रही है, बिकॉज डायरेक्टली आपको ऐसे पेड़ों का टॉप दिख रहा है। एंड काफी पीसफुल है, काफी ज्यादा पीसफुल है। यू नो इफ यू आर लुकिंग फॉर सम क्वाइट टाइम, कहीं पे बस चिल करना चाहते हो मेरी तरह, देन दिस इज अ वेरी नाइस प्लेस। खाना खा लिया, कॉफी पी ली, पूल में चिल कर लिया, अभी बस रिलैक्स टाइम। ये मेरा विला में सबसे फेवरेट टाइम होता है, क्योंकि इस टाइम तक ना मेरा सारा काम खत्म हो जाता है एंड आई कैन फाइनली एंजॉय दिस एम्बियंस, जो फिलहाल बहुत सुंदर लग रहा है। एंड मुझे ऐसे ट्रक 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 मेंढक की आवाज़ आ रही है, मेंढक की है ना ये लग रहा है मुझे। बट लुक एट द ब्यूटीफुल विलास गाइस, बहुत ही सुंदर ऐसी वाइब आ रही है यहाँ पे। गुड मॉर्निंग गाइज, क्या सुबह हुई है, जैसे आंखें खोली है बाहर आई हूँ, सिर्फ ग्रीन दिखाई दे रहा है मुझे। इट फील्स रियली फ्रेश, कल रात को बहुत अच्छा खाना खाया, यहाँ का खाना मुझे जेन्युइनली अच्छा लगा, आई थिंक आपको भी अच्छा लगेगा। उसके अलावा अब बस चेकआउट का टाइम हो जाएगा आज, उससे पहले थोड़ी देर और इस प्रॉपर्टी में चिल करेंगे, अपने प्राइवेट पूल के साथ थोड़ा और इन्जॉय करेंगे एंड लेट्स हैव सम कॉफी।
व्लॉग गाइज, आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस स्टेकेशन एक्सपीरियंस। बिफोर एंडिंग दिस व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना एक क्विक रिव्यू अबाउट माई स्टेकेशन एक्सपीरियंस। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस प्रॉपर्टी इज प्रिटी न्यू, या आई थिंक वी वर वन ऑफ द फ्यू फर्स्ट कस्टमर्स एंड हमें यू नो एक्सपीरियंस काफी यूनिक लगा, इसके लिए ये व्लॉग में शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे ना काफी आपको काम एंड प्राइवेट वाइब आएगी। इनके जो सारे स्टेज है ना वो बिल्कुल इस प्राइवेट पूल के साथ साथ ही आपको यू नो ये लॉन एरिया एंड अपनी एक स्पेस मिलती है। सो इफ यू वांट टू गो आउट फ्रॉम योर बिजी केओटिक रूटीन एंड आप यू नो थोड़ा सा ऐसे नेचर के आसपास टाइम स्पेंड करना चाहो देन इट्स अ ग्रेट ऑप्शन। सेकंड थिंग इज बहुत ज्यादा बजट में है। इनके प्राइजेस है ऑन वीकडेज 449, जिसमें आपको दो लोगों के लिए अकोमोडेशन मिल जाता है, उसी के साथ यू गेट ब्रेकफास्ट, तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट ऑप्शन फॉर दैट टू। वीकेंड के लिए भी प्राइजेस आई थिंक 1000 rupees ज्यादा होंगे, स्टिल इट इज वेरी अफोर्डेबल लुकिंग एट द अमेनिटीज यू गेट एंड द काइंड ऑफ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस आई हैड हियर। रही बात खाने की, तो मैंने कल लंच, डिनर, आज सुबह का ब्रेकफास्ट 3 times मील खाया एंड तीनों टाइम द फूड वॉज डिलिशियस, काफी अच्छा खाना था। आपको ऑप्शंस भी अच्छे मिल जाते हैं एंड एकदम घर के जैसा खाना होता है, तो आई एम श्योर आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। दे प्रोवाइड फ्री वाईफाई, हर एक रूम में अपना वाईफाई है एंड उसी के साथ बाहर प्रॉपर्टी में भी है, तो आपको काफी अच्छा कनेक्टिविटी मिलता है। सो यू नो इफ यू वांट टू प्लान सम वर्केशन और समथिंग, तो उसके लिए भी इट्स अ ग्रेट ऑप्शन। देयर इज अ स्मार्ट टीवी इनसाइड द स्टे। अदर देन दैट आपको यू नो रूम सर्विस भी मिल जाती है, तो आप लोग यू नो पूरा रूम में एक अपना कोजी एक्सपीरियंस स्पेंड कर सकते हो। दिस प्रॉपर्टी इज हाईली रिकमेंडेड फॉर कपल्स, कपल्स के लिए तो ये काफी ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। अगर आप लोग यहाँ पे आना चाहते हो मुझे कॉमेंट्स में बताना, आपको अगर और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, रिमेनिंग सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिली गई होगी, जो नहीं मिली होगी वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जो होगी बुकिंग की डिटेल्स। नाउ आई एम गोना फिनिश दिस वीडियो राइट हियर। बिफोर एंडिंग, इस वीडियो का शाउट आउट जाता है पूनम रजक एंड यासीन शेख को। पहली बार मैं दो लोग को शाउट आउट दे रही हूँ बिकॉज बोथ ऑफ यू आस्क्ड फॉर अ कपल फ्रेंडली बजट फ्रेंडली स्टे एंड हियर इट इज। आई लव इट जब आप लोग अपने ओपिनियंस मेरे साथ शेयर करते हो एंड यू नो यू हैव सच रिकमेंडेशंस। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत ही ऐसे कुछ अलग से एक्सपीरियंस के साथ। टिल देन बाय गाइस, लव यू एंड टेक केयर।